या लूना 25 को हरा देगा नासा? अमेरिका क्यों बौखला गया है? जब से लूना 25 की खबर आई है तब से अमेरिका क्यों बौखला गया है? क्यों वो अलग अलग फैसले और एक्शन लेने पे तुला हुआ है? बिल नेल्सन जो है, जो कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने सामने से आकर लूना 25 के बारे में बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले तो उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमें बहुत खुशी है कि 47 सालों के बाद आके रशिया अपना लूनर मिशन फिर से चालू कर रहा है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, सामने से आके उसने ये कहा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी उसने, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, दो सुपर पावर बनने के लिए तो लड़ रहे थे सालों से अमेरिका और रशिया। आज अमेरिका ने सामने आके, यानी कि नासा के अध्यक्ष ने रोसकॉसमोस के बारे में और रशिया के बारे में, देखिए रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉसमोस और अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है नासा। तो नासा का चीफ है बिल नेल्सन, उसने आके बहुत कुछ कह दिया रशिया के बारे में और उनके रोसकॉसमोस और लूना 25 के बारे में। दोस्तों उन्होंने कहा, नासा ने ये कह दिया सामने से आके कि उनके कॉस्मोनॉट यानी कि एस्ट्रोनॉट्स ऑफ रशिया वो मून पे जाएं या ना जाएं हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा रशिया से हमारा कॉम्पिटिशन है ही नहीं बल्कि चाइना के साथ है। अब रशिया अगर कुछ कर भी नहीं तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों रशिया की ईगो पे सीधा हमला किया है नासा ने, अमेरिका ने। मुझे नहीं पता पुतिन अब क्या फैसला करेगा, क्या सोचेगा, मगर ये जो बोल दिया है ये बहुत गहरी बात बोल दिया दोस्तों। नासा ने अपना प्लान भी बता दिया सामने आके। दोस्तों नासा ने अपने प्लान का खुलासा किया। आप एक बात को समझ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इधर आप एक बात को समझिए कि दोस्तों पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक है, हम लोगों ने दो बार फेल हुए, तीसरी बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम डार्क साइड ऑफ द मून पे या फार साइड ऑफ द मून के साउथ पोल पे हम अपने चंद्रयान 3 को लैंड कराएंगे और वहां पे पानी की खोज करेंगे, पानी के अवशेष हमने ढूंढ दिए लेकिन एग्जैक्ट पानी निकालेंगे वहां से। उसके बाद तुरंत रशिया को पता नहीं क्या हुआ, 47 साल के बाद, इतने सालों के बाद फिर से वो निकल के आया कि हमें लूनर मिशन करना है भैया, हमें तो चांद पे जाना है, अपना लूनर 25 लेके आ गया, लॉन्च भी कर दिया फटाफट। अब दोस्तों और वो भी उसी डेट पे 23 अगस्त से पहले करने का प्लान है, अगर उसके मन में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन थी तो बाद में करता। और अभी जैसे ही रशिया ने किया उसके कुछ दिनों के बाद ही, अभी तो वो निकला ही है दोस्तों, तभी नासा के चीफ ने सामने से आके बहुत बड़ा बयान दे दिया और अपने सारे प्लान्स बता दिए कि हमें रशिया से डरने की जरूरत नहीं है, हम चाइना से थोड़ा बहुत देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, आगे जाके हम पूरे चंद्रमा को हथियाने के चक्कर में हैं, वापस स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, पहली महिला को वहां पे भेजने वाले हैं, पहला आदमी जिसने मून पे कदम रखा वो अमेरिकन था, पहली औरत जो चंद्रमा पे कदम रखेगी वो भी अमेरिकन ही होगी। इतनी बड़ी बात दोस्तों, हम इस वीडियो पर पूरा फुल प्रूफ प्लान जो रशिया ने बताया और जो नासा ने बताया और अमेरिका कैसे 25 को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है, उसका एक एक चीज क्या है हम आपको बताएंगे। स्टूडियो बने रहना दोस्तों एंड तक। दोस्तों ऐसे टाइम पे जब 25 लॉन्च हुआ है तभी स्पेस रेस की गति बढ़ती नजर आ रही है। एक और भारत के चंद्रयान 3 के बाद रशिया ने 25 को भेज दिया, तभी यूएसए ने अपना बयान भी दे दिया। नासा ने क्या बताया दोस्तों, उनका जो था आर्टेमिस मिशन जो है ये सब पता ही था कि आर्टेमिस मिशन 1, 2, 3 है, लेकिन अब जो थर्ड मिशन जो उसका लॉन्च होने वाला है उसके क्या क्या करेगा सब कुछ बता दिया। बस ये बताया कि आर्टेमिस 3 को भेजा जाएगा तो पहली महिला का कदम पड़ेगा चंद्रमा के ऊपर, और सब हैरान हो गए। और ये इसने फुल प्रूफ प्लान के साथ समझा दिया, उसने ऐसे ऐसे रॉकेट्स, ऐसे ऐसे स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताया कि लोग दंग रह गए कि ऐसे स्पेस मिशन तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो फुल प्रूफ प्लान के साथ है, यानी लॉन्ग टर्म विजन से सोच रहा था कि अमेरिकन माता के रह सके, वहां स्पेस स्टेशन बना सके, वहां के पानी को निकाल सके, और क्या क्या मशीनें निकालेंगे, क्या क्या मशीनें लेके जाएंगे वो भी बताते हैं आपको दोस्तों। दोस्तों एस्ट्रोनॉट लगे पड़े हैं काम करने में। इससे ज्यादा ये बताया कि नासा ने सारे पत्ते खोल दिए हैं रशिया को हटाने के लिए स्पेस रेस। साउथ पोल पे वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अमेरिका ने ये दिखला दिया कि ऐसा यान उसने बनाया है जो कि पानी को हैंडपंप की तरह खींच के बाहर निकाल देगा और उस पानी का इस्तेमाल करके वहां पे सभ्यता एक सिविलाइजेशन बसाने की फिराक में है नासा। दोस्तों कमर्शियल लूनर लैंडर बना रहे हैं, यानी कि कमर्शियलाइजेशन करने हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनीज को साथ मिला के
टैक्स पेयर का पैसा नहीं ले रहे हैं, फंड नहीं ले रहे हैं, तो बाहर की कंपनियों को बुला रहे हैं उनकी मदद से, उनके फंड्स के साथ अपने मिशन को पूरा करेंगे। नासा प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दे रही है और इसरो भी कर रही है, हमने एक वीडियो में आपको बताया था, वैसे ही इसरो भी कर रही है। लेकिन अब एक पार्टनर ऐसा है जो उसका कमर्शियल लैंडर पार्टनर बन गया है, उस कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन। अब उसने क्या किया, प्राइम वन नाम का लैंडर बनाया। प्राइम वन का जो फुल फॉर्म है वो है पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट वन। ये क्या करेगा, पहले तो लैंड करेगा चंद्रमा के ऊपर, फिर वह खुदाई करेगा, मिट्टी हटाएगा सारी, और ऐसे एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोप लगे हैं इसके अंदर कि वो अंदर की मिट्टी हटा के नीचे कितना पानी है और उस पानी की कैलकुलेशन कितनी है उसका पूरा एनालिसिस वही के वही कर देगा। तो पानी से रिलेटेड हर चीज को, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर देगा, और अगर नहीं मिला और गहरे पे जाएगा, फिर नहीं मिला और गहरे पे जाएगा। ऐसी मशीन है कि वो करती रहेगी। दोस्तों पूरा प्लान लेके आया अमेरिका। अब एडवांस ड्रिल सिस्टम जो है उसका नाम ट्राइडेंट दिया है, ये भी एक प्राइवेट प्लेयर ने बनाया है, उसकी मदद से बनाया है उन्होंने, जिसकी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हनी बी रोबोटिक्स। अब उसने जो ट्राइडेंट बनाया है, यानी कि उसका फुल फॉर्म है द रेगुलराइज ड्रिल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू टेरेन, यानी कि अलग अलग जगहों पर जाके खुदाई करने वाली एक ड्रिल मशीन। अब जो है ये क्या करेगी, खुदाई करेगी चंद्रमा की सतह के ऊपर अलग अलग जगहों पे जाके कि पानी मिलने के चांसेस कहाँ है कहाँ नहीं है। दोस्तों चंद्रयान वन ने बताया था, इसरो के चंद्रयान वन ने बताया था कि पानी मौजूद है चंद्रमा के ऊपर, उसके अवशेष दिखाए थे, उसकी फोटोग्राफ्स दिखाई थी, लेकिन अब रेस थोड़ी बदल गई है दोस्तों। दो सुपर पावर आपस में टकराने के लिए आ गए हैं, दोनों चंद्रमा पे कब्जा करने के लिए सामने आ गए हैं। पहले स्पेस का मुकाबला था, अब चंद्रमा का मुकाबला मुझे लगता है सारी गैलेक्सी के ऊपर ऐसी होगी कि जो देश ज्यादा शक्तिशाली है वहां पर तिरंगा फहराता जाएगा और ये कर देगा। दोस्तों रशिया जो है अब 47 साल के बाद इतना पावरफुल नहीं रहा है स्पेस रिसर्च के अंदर, क्योंकि इसने बहुत सालों से कोई मिशन नहीं किया है। लेकिन अमेरिका ने जब पहले इंसान को चंद्रमा के ऊपर लैंड कराया, उसके कदम चलवा दिए, उसके पैर को निशान बनवा दिए, तो उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि पूरी गैलेक्सी मेरी, हम इतने पावरफुल इतने स्ट्रांग है कि चंद्रमा तक हमारी पहुंच है, हमारे इंसान वहां तक है। अब अमेरिका यही सोच रहा है कि पहली महिला को वहां भेजेगा, फिर वापस सिविलाइजेशन बनाएगा। वो ये तक सोच रहा है कि वहां पे पानी की खुदाई करके पानी निकालेगा, H2O निकाल लिया। दोस्तों तो पानी की कॉम्पोजिशन में वो है H2O, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन से वो फ्यूल बनाएगा, अगर पानी मिल गया तो हाइड्रोजन को अलग करके उससे फ्यूल बनाएगा, ताकि आना जाना हो जाए चंद्रमा से पृथ्वी तक आना जाना हो जाए। और दूसरा ऑक्सीजन, यानी कि H2O में जो O है उससे ऑक्सीजन में और पानी पीने के लिए हेल्प मिलेगी, तो वहां के लोग पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे जो पानी मौजूद है उसी का इस्तेमाल करेंगे इनके जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे नासा के। दोस्तों इतनी बड़ी बात हो गई है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या स्पेस रेस का कोई अंत है, क्या दोनों देश आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्या चंद्रयान 3 जो है पिछड़ता जा रहा है, क्या अमेरिका और रशिया ही कब्जा लेंगे पूरे चंद्रमा के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ कुछ एक नई वीडियो में। दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे, और एक और बात दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बताइए दुनिया को क्या हो रहा है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।